फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो इवेंट है कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा इवेंट है, बेस्ट था, काफी अच्छा क्राउड आया, लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया, तो काफी इंजॉय किया हमने, काफी यहाँ पे मैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, सो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस एंड वी विल डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ नेक्स्ट ईयर। आपने क्या स्टॉल में रखा था आपके बारे में? सो मेरा नाम दिशा मिराजकर है, दिस इज माय ब्रांड नेम फॉर्म्स एंड बबल्स अमीलियो, सो आई कीप सोप शैम्पू हेयर ऑयल परफ्यूम्स कार फ्रेशनर्स इतर्स, सो काफी अच्छा रिस्पांस मिला, सोप तो मेरे सारे खत्म हो गए, परफ्यूम्स के लिए लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया इतर्स परफ्यूम्स के लिए, सो यस एंड आई विल डेफिनेटली बी कनेक्टेड विद द स्ट्रीट कनेक्ट, सो गाइस दिस इज वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहिए कि मैम आज इवेंट का स्टेट का नौवां साल है, कितनी कामयाबी हो पाई बिजनेस को लेकर के भी और इवेंट को लेकर? तो इवेंट तो काफ़ी सक्सेसफुल था, ये हमारा पहला इवेंट है, हमारा ब्रांड का लॉन्च दिसंबर 23 में ही हुआ, तो पहली बार हमारा ब्रांड भी एक्चुअली फिजिकल रियल वर्ल्ड भी गया एंड स्ट्रीट कनेक्ट में रिस्पॉन्स एंड ओवरऑल जो एम्बियंस था, वाइब्रेंसी था, सब बहुत अच्छा था। इवेंट है बेसिकली ये कम्युनिटी के लिए है और फंड रेजिंग के लिए है और हम जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। वी हैव बीन होम शेफ एंड वी गेट लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर्स थ्रू स्ट्रीट कनेक्ट्स, जिसके वजह से हमारे क्लाइंट्स बिल्ड होते हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स भी फ्यूचर में आते हैं, तो दे सपोर्ट, आई मीन वी एक्चुअली लव द वे दे सपोर्ट अस, थैंक यू। और ये सेटअप बहुत अच्छा है, जिस तरह से चीज़ें मैनेज होती है, भले इलेक्ट्रिसिटी हो और ये जो कैनोपीड स्टॉल हो, ये काफ़ी थॉटफुल है। हम जैसे लोग जो हम स्टॉल तो लगाते हैं लेकिन हमारे बारे में ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, बट ये धूप से बचना, ये सब, ये थिंकिंग प्रोसेस उनका काफ़ी अलग है, तो उनके ये सब कम्युनिटी के लिए जो करते हैं, ये उनके ये छोटे छोटे चीज़ों में से समझ आता है, थैंक यू। बात करेंगे स्ट्रीट कनेक्ट, बीते 9 साल से आज ये नोवा एडिशन उसका क्या लगता है कितना सक्सेस हो रहा है दिन प्रतिदिन? बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, इनफैक्ट लोग अभी से नेक्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कब होगा और हम उसके साथ और जुड़ना चाहते हैं, सो आई थिंक इट इज़ रॉकिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है 20,000 से ज्यादा लोग थे आज, इतना क्राउड था मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था अपने हार्ट जोन में। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है लोगों की, आर्ट जोन में तो बस सारे फैन है कि कैसे अगली बार क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि कैसे इसको और लोगों में ऐसा ही जोश बना के रखें। अगर बात करें फेस्टिवल के अंदर क्या क्या जो कैटेगरी होती है, डांस परफॉर्मेंस वगैरह क्या क्या था, वो डिफरेंट सब कुछ था। सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी कनेक्ट था, सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प करते, ये मेन एसेंस ही स्ट्रीट कनेक्ट का यही है। अभी विलेज का सबसे बड़ा फेस्ट होता है, बिल्कुल कांदिवली की बात है। हाँ कांदिवली जरूर, क्योंकि ओनली विलेज के पीपल होते तो शायद इतना नहीं होता, सब आते हैं तभी इतना भीड़ बढ़ती है, और ये एक ऐसी जगह भी जहाँ सब मिलकर एक होते हैं और सिर्फ मजे करते हैं, खुशी मनाते हैं, कुछ कोई टेंशन नहीं रहती है, फ्री एंट्री है और मतलब एक से एक बेहतर कार्यक्रम होते हैं, मतलब इतने विविधता पूर्वक कार्यक्रम कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। डांस परफॉर्मेंस बोलिए, म्यूजिक बोलिए, आर्ट बोलिए, कला और फिटनेस, एवरीथिंग, इवन पेट जोन है, मतलब परिवार के किसी भी सदस्य को के लिए हर चीज है, कोई भी सदस्य बाकी नहीं रहेगा कि उसके लिए कुछ नहीं है। ये एक्चुअली स्ट्रीट कनेक्ट जो है वो हमारा एक टैगलाइन है, विच वेयर वी से इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल ऑफ ठाकुर विलेज, तो ये फ्यू हाउसवाइफ्स और जेंटलमैन जुड़ जाते हैं, ये साल में एक बार आते हैं साथ में और फिर ये इतना बड़ा इवेंट खड़ा कर देते हैं, तो इसमें एक्चुअली जब भी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जब भी किया था
वी वर एक्सपेक्टिंग कुछ 500 पीपल आएंगे, बट 3-4 हज़ार लोग आ गए थे, तो उससे हमारा और जोश बढ़ा। तो अभी 9 साल हो गया, दिस इज़ द 9th एडिशन, और आज जैसे इसने बोला कि हाँ कम से कम 18-20 हज़ार लोग आए होंगे, तो एक एक फेस्टिवल जैसा है फीलिंग, कनेक्ट होते हैं लोग, सारे सोसाइटीज विलेज के नीचे आ जाते हैं ये एक संडे मॉर्निंग को, और हंसी मजाक खुशी एंड जॉय करके चले जाते हैं घर। और जितने ग्रुप में लगे हैं लेट होकर महिला है, हाँ ज्यादा 99% महिलाएं ही हैं। नहीं नहीं नहीं, और एक दो जेंटलमैन भी हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम 100 के लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो 200 लोग आते हैं, इट इज लाइक इतना ज्यादा, इट इज तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट यू नो। और हर साल मतलब लोग जब आते हैं तो कई बार तो हमको ये भी सुनने को मिलता है कि अरे साल में आप 2 बार क्यों नहीं करते हैं, या जो स्टॉल वाले हैं इतने खुश होकर जाते हैं अरे अगले साल भी हम आएंगे, और परफॉर्मेंसेज और सीखने को इतना सब मिलता है, और मेन चीज़ है जो सब आर्ट वर्क देखे सब है, जितना ज़्यादा हम लोग सस्टेनेबल हो सके वो करते हैं, और ये तीनों आर्ट जोन मतलब बहुत सारा मेहनत करके ये लोग ने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत, आपको तो राउंड देखे ही होंगे, और परफॉर्मेंसेज भी स्टेज पर हम लोग सोचते हैं कि अलग अलग वैरायटी लाएं, चाहे मतलब थोड़ा वेस्टर्न भी हो, थोड़ा इंडियन म्यूजिक भी हो, एनजीओ के बच्चे भी आते हैं, तो बहुत सबके लिए बहुत कुछ होता है यहाँ पर। चलिए आप देखेंगे तो सारे कार्यक्रम ज़्यादा करके टाउन्स में होते हैं, पर ये पहला है इतना बड़ा इवेंट जो हमारे सबर्ब में हो रहा है, इसलिए भी इसका ज़्यादा महत्व है कि यहाँ लोग सब सोचते हैं कि भाई हम टाउन तक कितनी बार जा पाते हैं, तो सारे लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, और इसमें हमने कोई वैरायटी नहीं छोड़ी है और सारे वर्क को लिया है छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ सब एंजॉय करते हैं, आपने देखा होगा वो ड्रम इसमें बड़े से लेके छोटे बच्चे तक वो बजा रहे थे और उनको कितना मज़ा आ रहा था, और हमने सब कुछ कवर किया म्यूजिक से लेके हेल्थ जोन से लेके वेलनेस लेके आर्ट, तो बहुत मज़ा आता है, और ये कोई को ऐसा नहीं लगता हम मेहनत कर रहे हैं, सबको लगता है मज़ा कर रहे हैं, क्योंकि सब घरेलू महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, सब मिलके काम करते हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, पर वो ऐसा नहीं करें कि अब इवेंट मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका ही खुद का अपना एक ये कार्यक्रम है, एक साल में एक बार आता है, सब लोग वेट करते हैं इसको। I would just like to add two words, मतलब जैसे बोला ना मतलब उनका कहने का मतलब नहीं था मेहनत मतलब से, बट मेहनत बहुत जाती है, इस लगता है इवेंट छोटा है बट बहुत, दो महीने पीछे जो जाते हैं रात रात भर, मतलब कल भी रात को सब 2:30 बजे तक यहाँ बैठे थे, और इतने मतलब पूरे महीने से मतलब 2 महीने से लोग लगे हुए हैं, सब काम जुटे रहते हैं, तो लगता है हाँ भाई आधा दिन का इवेंट है बट उसको प्लानिंग में बहुत टाइम जाता है। फेस्टिवल करते अधिकतर ग्राउंड्स में होते, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में होते, लेकिन स्ट्रीट पे करना किस तरीके से आइडिया है? ये हमारे 4 सूत्रधार हैं जो जिन्होंने ये शुरुआत की थी, 4 से ज्यादा है वैसे, 4 बाकी तो और धीरे धीरे सब जुड़ते गए, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उन्हीं ने सोचा था कि हम अगर इसको स्ट्रीट पे करेंगे तो हम कनेक्ट होंगे, और उसी से ये शुरुआत हुई। पहले के जमाने की बात है ना कि जैसे अपन लोग घरों में जाते थे और आजकल वो होता नहीं, वो बात बताइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये समागम इतना रंगीन है, इतना मधुर है कि यहाँ पर सभी उम्र के लोग और बच्चे बूढ़े सब एक साथ जो एकजुट होके इतना खुशी मनाते, इतना खुशी मनाते, उन सब की खुशी देख के हम सब की खुशी बढ़ जाती है। सोलह साल इससे ज्यादा जोरदार और धमाकेदार होगा, पर एक बार ये भी है कि हर बार हम लोग फेस्टिवल सोचते हैं अरे अब नहीं होगा अब नहीं होगा, मगर जब मौका आता तो फिर सब जुट जाते हैं, वैसे पूरे अंदाज से प्यार मिलता है, लोगों का इतना प्यार मिलता है कि हमको लगता है कि नहीं करना ही चाहिए, यू नो इट इज सो मच लव वी गेट एंड एप्रिसिएशन, मतलब आर्थिक लाभ कुछ नहीं है। 10वें साल में अगर बात करें आपका, 10 साल 2025 में होने वाला है, सो हम जेन जीज को अट्रैक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, बट I think this year also youngsters बहुत थे, बच्चे बहुत थे, टीनेजर एंड देन यंग। हमारे पास एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप था ओरिगेमी मित्रा करके, जिन्होंने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी की थी, सो सीनियर सिटीजन से लेके छोटे से बच्चे तक हमारा सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। हम लोग को सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ की जनता ही यहाँ की सेलिब्रिटी है, हम यहाँ की सबक की लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, खुले आसमान के नीचे सड़क पे वो पुराने मजे लेते हुए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
करने को। मैं जब 5 साल का था तब से आया था, तो मैंने बहुत देखा था सिंह स्टेट, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर विलेज, जानूपाड़ा, सब लोग अलग अलग कास्ट के स्ट्रीट कनेक्ट में आते, लेकिन कोई भी तभी कुछ झगड़ा नहीं होता।